चलिए सबसे पहले हम ये पूछते हैं, क्या आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे आके पूछे मम्मी आज क्या खाना बना रही हो, और आप बोलेंगे रोटी सब्जी, तो बच्चे तुरंत चिढ़ जाते हैं। मेरे घर में तो अक्सर होता चिढ़ जाती है, वही रोज एक एक खाना, वही खाना आप रोज खिलाती है, कुछ अच्छा खिलाइए, कुछ हेल्दी खिलाइए, टेस्टी खिलाइए। अब आप सोचेंगे हम क्या बनाएं, हम लोग बड़े भी उब जाते हैं एक ही खाना रोज खाते हुए कि वही टेस्ट वही। तो इसके इन परेशानी को दूर करने के लिए मैं ऐसी एकदम रेसिपी लेके आई जो होममेड है। होममेड हक्का नूडल्स बनाएंगे, वो भी आटे से बनाएंगे, और आपके पास सना हुआ आटा उससे भी बन जाएगा, नहीं तो आप आटा सान के बना गूंद के बना लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है और घर में बन जाएगी, हेल्दी भी है, टेस्टी तो है ही है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं होममेड हक्का नूडल्स। फिर शुरू करते हैं हम इसको बनाना। ये एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम 2 कप आटा ले लेंगे, गेहूँ का आटा है, 2 कप गेहूँ का आटा लेंगे, क्योंकि मुझे हेल्दी बनाना है तो हम मैदा नहीं लेंगे, हम गेहूँ का आटा लेंगे। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ऐसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हाथों से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से जिससे भी कर लीजिए, बस हमको पहले नमक और आटे को एक में मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसके आटे को गूंथेंगे, तो बहुत हमको गीला भी नहीं करना है, बहुत सख्त भी नहीं करना है। तो रोटी के आटे से थोड़ा सख्त होना चाहिए, पूड़ी के आटे से थोड़ा नॉर्मल। तो उसको अच्छे से गूंथ लेंगे, फटाफट अब इतनी देर में मेरे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए नए मेरे चैनल जुड़े तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो वैसे थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। एक साथ कभी भी कोई भी आटा गूंथते हैं पानी नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरा आटा गूंथ के तैयार हो गया, अब उसको रेस्ट नहीं देना। अब ये सेव बनाने वाला जो मोल्ड होता है उसमें ऑयल लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे उसको सब चीज़ को। और जो सेव उसमें जाली वाले मिलते हैं ना, जाली मिलती है, तो हम थोड़ा मोटी वाली जाली ले रहे हैं, आपको पतली वाली बनाना तो पतली वाली, तो उससे एकदम महीन वाली से जो सेकंड नंबर की जाली होती है थोड़ा मोटा हम उसको डालें, उसमें भी ऑयल लगा लेंगे। अब थोड़ा सा आटा हाथ में लेके उसको हम चिकना करेंगे, तो अच्छे से उनको चिकना कर लेंगे। अब मोल्ड भी डाल देंगे आटे को, ऐसे दबा देंगे, अब उसको बंद कर देंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। देखिए पानी मेरा बॉयल हो गया है, अब उसको हम सीधे बनाएंगे। थोड़ा 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हमने हक्का नूडल बनाना शुरू करेंगे आटे के, तो मशीन से हम उसे चलाते हुए इसी में डायरेक्ट पानी में हमको नूडल्स बनाने हैं। ये बहुत इजी है, एकदम परेशानी नहीं, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना कुछ भी, डायरेक्ट आप इसी में बना लीजिए कढ़ाई में। तो इसको ऐसे फैलाते हुए हम बनाएंगे, एक ही जगह हम नहीं डालेंगे, फैलाते हुए डालेंगे। और जो एक के ऊपर एक पड़ गया उसको हम थोड़ा सा अलग कर देंगे चाकू से, स्पून से, काटने फोक से, जिससे भी इसे चिपके नहीं। इसको हल्के हाथों से ऐसे फैला देंगे, बहुत ज़ोर से नहीं करिएगा जिससे नूडल टूट जाए, हल्का सा हल्के हाथों से फैलाएंगे। और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया तो एकदम ये चिपकेंगे नहीं, एकदम अलग अलग खिले खिले बनेंगे, एकदम चिपकेंगे नहीं। इसको ढक के पहले 2-3 मिनट पकने देंगे, फिर हटा देंगे, नहीं तो पानी क्या बॉयल होकर बाहर गिरने लगेगा। इसको हम खुले खुले ही 2-3 मिनट इसको पानी में पकने देंगे, छू के देख लेंगे। अभी थोड़ा सॉफ्ट है, देखिए जल्दी टूट रहा है, तो हमको 1-2 मिनट में इसको और पकने देंगे। बस मुझे बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए और बहुत कड़ा भी नहीं चाहिए, कड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं, गट्टे जैसा हो जाएगा। तो मुझे उतना चाहिए जैसा हम मार्केट से जो नूडल्स ला के बॉयल करते थे, जितना सॉफ्ट होता है उतनी सॉफ्टनेस मुझे इसमें चाहिए। उतना हो जाएगा तो बस आप निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। अब ये मेरा हो गया, हम एक बॉल में जाली रख लेंगे और उसी में निकालते जाएंगे। तो एकदम कढ़ाई के बगल में ही रखेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरे बर्तन में बड़ा बर्तन रख के जाली रख के सब पानी उसमें कर दीजिए, फिर उस पानी को कढ़ाई में डाल दीजिए, जैसे आपको इजी हो। आप और लंबे नूडल्स बनाए तो मैंने जो थोड़ा सा आटा रखा था उसको आप मोल्ड में पूरा ऊपर तक भर देंगे। तो और अब इसको ठंडे पानी से धो लेंगे, ठंडे पानी धोने से इसका पकने का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा, एकदम अलग अलग खिले खिले बनेंगे, एक भी चिपकेंगे नहीं।
अब उसी कढ़ाई में हम दोबारा बनाएंगे। तो हमने एक चम्मच में ऑयल फिर से डाल दिया है, तो हमको जो नूडल्स मैंने बना के पानी से धो के रखा था उसको हमको जाली में रख तब तक रहने, जब एकदम पानी इसका निकल जाएगा तो उसको किसी बड़ी चीज़ में फैला देंगे। इसी तरह इसको भी बना लिए, डाल दिए, इसको पकने देंगे। मुझे ज़्यादा से बनाना है तो मुझे 2-3 बार बनाना होगा, एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो चिपकने लगेंगे, टूटने लगेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डाल के इसमें बनाइए। जितना बड़ा बर्तन हो उस हिसाब से आप नूडल्स डालिए। देखिए ये हेल्दी आटे का बना रहे थे, हेल्दी भी आपको जो रोटी सब्जी देना हो आपको सब कुछ नूडल्स में मिल जाएगा। अब बच्चों को खाने में भी अच्छा लगेगा, वही एक ही सा खाना खाने किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, तो खाने में भी अच्छा लगेगा। होममेड भी है, घर में आप बना लीजिए, आटा घर में ही रहता है, सब सब्जियाँ घर में ही रहती, तो आप फटाफट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे बनाने में। बहुत इजी रेसिपी है ये। तो इसमें भाप निकली थोड़ा, इसीलिए मैं ऊपर से डाल रही थी कि हाथ जलने लगते हैं। तो बनाते समय आप गैस की फ्लेम मीडियम कर दिया या लो कर दीजिए, और जब पूरा डाल दीजिए तो फिर हाई कर दीजिए। 5 मिनट में एकदम बहुत जल्दी पक जाते हैं। देखिए मैंने दूसरी बार भी निकाली, उसी तरह जारी से में डाल के पान ठंडे पानी धो दिया था, अब पानी निकल गया तो हमने इसको बड़े चीज फैला दिया। तब ये थोड़ा ठंडे होते रहेंगे, तब तक हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। एक भी आप जब नूडल्स छू के देखेंगे ना तो एक भी चिपकेंगे नहीं, सब अलग अलग एकदम जैसे मार्केट में वैसे होते हैं। तो मैंने शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, प्याज, टमाटर सब काट के रख लिए हैं, लहसुन और हरी मिर्च भी काट के रख लिया था। अब सबसे पहले हम 2 बड़े टमाटर थे उसको पीस लेंगे। इससे क्या होगा मेरे जो नूडल्स बनेंगे वो सूखे सूखे नहीं बनेंगे। तो ये मैंने पीस के निकाल लिया। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा के गर्म कर लिया ऑयल, इसमें हम लहसुन 5-6 लहसुन थे जो हमने महीन काट के रखे थे उसको डाल देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना है क्योंकि जब तो 2-3 हरी मिर्च काट के डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है सब्ज़ी के साथ भी फ्राई होंगे तो एकदम लाल हो जाएंगे या काले हो जाएंगे, जले जले इसका टेस्ट आएगा। तो बस हल्का सा करेंगे। और सबसे पहले मैंने बीन्स डाल दिया क्योंकि बीन्स को पकने में सबसे देर लगती है, तो जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पकने में देर टाइम लेगी उसको आप सबसे पहले डालिएगा। और जो भी सब्ज़ी आपके पास हो, ब्रोकली हो, कॉर्न हो, मशरूम हो, जो भी आपके पास हो वो डालिए। इसको तेज आंच में कंटिन्यू चलाते हुए हम पकाएंगे, जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम गाजर डाल देंगे। गाजर को मैंने लंबे लंबे काट के रखे, आपको चकोर छोटे पीस बड़े पीस जैसे आपको रखने हैं, जैसे आपको टेस्ट हो, जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप सब्जियों को काट लीजिएगा। ऐसे लगातार चलाते हुए हमको बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमको सब्जी को गलाना नहीं, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अभी हम शिमला मिर्च डाल देंगे, चला के शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च मैंने डाल दिया, अब इसको शिमला मिर्च क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए लास्ट में शिमला मिर्च मैंने डाला है। इसको क्रंची ही रखना है इसलिए बहुत ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। अब मैंने जो प्याज काट के रखी है वो डालेंगे। ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। अब प्याज हमने लंबे लंबे काटे थे, उसकी लेयर अलग अलग कर ली थी, तो हमने प्याज डाल दिया। इसको भी चलाते हुए पकाएंगे। तो प्याज को लास्ट में डालेंगे क्योंकि प्याज बहुत जल्दी हो जाएंगे और हमको प्याज को बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, तो प्याज को सबसे लास्ट में ही डालेंगे। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि सारी सब्जियों में टेस्ट आ जाए, क्योंकि नूडल्स के आटे में मैंने नमक डाला था, पानी में भी नमक डाला था, तो थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे। इससे क्या सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और टेस्ट भी आ जाएगा सारी सब्जियों में।
और बहुत जल्दी देखिए वो सारी सब्जियाँ तैयार हो गई हैं। अब इसमें जो मैंने वो डाल टमाटर पीस के रखा था उसको भी डाल देंगे, टमाटर का पेस्ट डालेंगे प्यूरी। अब इसको एक एक दो मिनट हम इसको भूनेंगे अच्छे से कि टमाटर का जो जो प्यूरी का कच्चापन नया टेस्ट नहीं आए, इसलिए हम एक दो मिनट इसको बस भूनेंगे। ये भून गया, अब देखिए हम नूडल्स दिखाते हैं। देखिए सारे नूडल्स हम हाथ से छू रहे हैं, एक भी चिपके नहीं है, सब देखिए कितने अलग अलग हैं। अब इनको चला के मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से ही चलाएंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो सारे नूडल्स टूट जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत बड़े नहीं बनाए हैं, आपको और बड़ा बनाना हो, लंबे एकदम करने हो तो आप जो मैंने आधा मोल्ड में भरा था तो पूरा आटा ऊपर तक भर के तब बनाएंगे तो और लंबे नूडल्स बनेंगे। जितनी देर तक आप बनाएंगे नूडल्स को उतनी उतने लंबे बनते जाएंगे। अब ये दो चम्मच भर के मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है, दो चम्मच सोया सॉस डालेंगे और दो चम्मच हम चिली ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। आपको जो चिली सॉस हो तो वो डालिए, रेड हो रेड डाल दीजिए, मैं मेरे पास ग्रीन है तो हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। सॉस में भी नमक होता है इसलिए मैंने नमक ज़्यादा नहीं इसमें डाला था। इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि नूडल्स में नमक पड़ा हुआ था और मैंने सब्जी में भी डाल दिया क्योंकि सॉस में भी होता है, तो मैंने सब्जी में ज़्यादा नहीं डाला था। और अगर आप लोग को अगर ज़्यादा नमक चाहिए तो आप थोड़ा डालिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो नमक डालिएगा। सब मिक्स हो गया, थोड़ा रेड चिली वो हमने ये मार्केट में मिलता है ना मसाला मिलता है चाउमीन मसाला, वो डाल दीजिए, या आपके पास पास्ता मसाला हो कुछ भी तो थोड़ा सा डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो वो मैंने एक पैकेट पाउच डाल दिया पूरा। अब नहीं कोई मसाला तो मैगी मसाला मिलता है वो डाल दीजिए, अच्छा चाट मसाला कुछ भी थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए अगर आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। मेरे पास था, हम लोग को पसंद आता तो हम लोग डाल देते। तो ऊपर नीचे करके सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिया, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो जब मसाला डालो तो उससे भी डाल सकते हैं एक साथ, तो ज़्यादा बार बार मिक्स नहीं करना पड़ेगा। मैं निकाल ले रही हूँ उसको, देखिए प्लेट में लिया कितना टेस्टी लग रहा है, बच्चे तुरंत ही मांग मांग के खाने लगेंगे, आप जितना बनाएंगे आपके घर में कम पड़ जाएगा, इतना टेस्टी लगता है ये। तो बनाइए होममेड अक्का नूडल्स, बनाइए बहुत ही टेस्टी है, रोज़ रोज़ के खाने को बाय बाय करिए और ये टेस्टी खाना बनाइए, सभी को खिलाइए, सभी आपको बहुत तारीफ करेंगे, बच्चे खुश होकर खाएंगे, आपको बार बार कहना ही नहीं पड़ेगा कि चलो बच्चों खाना खा लो, बच्चे बड़े सभी को बहुत टेस्टी लगेगा। तो बनाने में देखिए कितना इजी है, कोई भी आपके पास घर में आटा सना गुथा हुआ रखा तो उसमें आप बस नमक मिला लीजिए और थोड़ा सा, अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा कड़ा कर लीजिए, नमक मिला के और बस मोल्ड में डाल के बना लीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, खाइए इंजॉय करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।